नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। आज हम करेंगे कविता कन्यादान के MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप ये कविता पढ़ चुके हैं तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपने इस कविता को नहीं पढ़ा तो इस कविता का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। हजारों लोग देख चुके हैं, आप भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आ देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपके सामने, पहला प्रश्न है कन्यादान कविता के कवि का क्या नाम है। बच्चों हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे, जी हाँ 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। कन्यादान कविता के कवि का क्या नाम है, ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी ऋतुराज। 5 ऋतुराज तक तो रख लो। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी ऋतुराज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कवि ने किसके दुख को प्रामाणिक कहा है। कवि ने किसके दुख को प्रामाणिक कहा है, ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए भाई के, ऑप्शन बी मां के, ऑप्शन सी पिता के, ऑप्शन डी बहन के। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी मां के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, मां की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है। मां की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है, ऑप्शंस। ऑप्शन ए बेटी को, ऑप्शन बी बेटे को, ऑप्शन सी पति को, ऑप्शन डी बहन को। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन ए बेटी को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, दुख बांचना से क्या अभिप्राय है। दुख बांचना से क्या अभिप्राय है, ऑप्शन ए दुख को देखना, ऑप्शन बी दुख का वर्णन करना, ऑप्शन सी दुख को पढ़ना, ऑप्शन डी दुख को गहराई से अनुभव करना। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी दुख को गहराई से अनुभव करना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, कवि ने किसे धुंधले प्रकाश की पाठिका बताया है। बच्चों 5 सेकंड बोलकर भी अगर मैं पूरे 5 सेकंड नहीं दे रहा, कम दे रहा हूं, तो आप वीडियो को रोक कर भी सोच सकते हो, कमेंट कर सकते हो, क्योंकि इसका और कोई इलाज नहीं है। चलिए कवि ने किसे धुंधले प्रकाश की पाठिका बताया है, ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए बेटी को, ऑप्शन बी मां के, ऑप्शन सी पत्नी को, ऑप्शन डी बहन के। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए बेटी को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6, मां ने किसे देखकर न रीझने का आदेश दिया है। मां ने किसे देखकर न रीझने का आदेश दिया है, ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए वस्त्रों को, ऑप्शन बी धन को, ऑप्शन सी चेहरे को, ऑप्शन डी गहनों को। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी चेहरे को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आग का प्रयोग किस कार्य के लिए बताया गया है। बच्चों आपको आज के वीडियो में कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। आग का प्रयोग किस कार्य के लिए बताया गया है, ऑप्शंस। ऑप्शन ए रोटियां सेकने के लिए, ऑप्शन बी स्वयं जलने के लिए, ऑप्शन सी दूसरों को जलाने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए रोटियां सेकने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है नारियों के लिए किसे बंधन बताया गया है। बच्चों आपकी क्लास रिलेटेड पाठ और कविताएं भी पढ़ना चाहते हो तो कैटेगरी वाइज अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। नारियों के लिए किसे बंधन बताया गया है, ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए धन को, ऑप्शन बी वस्त्रों और आभूषणों को, ऑप्शन सी शिक्षा को, ऑप्शन डी गृहस्थ जीवन को। चलिए 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी वस्त्रों एवं आभूषणों को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लड़की जैसी दिखाई न देना का तात्पर्य है। बच्चों इसी तरह की और भी MCQs की वीडियोस चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा, वीडियो के एंड में जरूर देख लेना। लड़की जैसी दिखाई न देना का तात्पर्य है, ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए लड़की मत बनना,
ऑप्शन बी लड़की की भांति श्रृंगार न करना, ऑप्शन सी कमजोर मत बनना, ऑप्शन डी आभूषण मत पहनना। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी कमजोर मत बनना। तो बच्चों छोटी सी कविता के ये इतने ही प्रश्न थे, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने आए ये कमेंट करना मत भूलना। और इसी कविता का आप रिटन टेस्ट देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और इसी कविता को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।